नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि मार्केट में जो फ्यूचर लाइव मार्केट में फ्यूचर में मनी फ्लो कैसे हो रहा है और मार्केट किधर मनी फ्लो हो रहा है, मनी आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, इसको हमें कैसे ऑटोमेट करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है ताकि हमें मार्केट का डायरेक्शन मिल जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप इजी वे में वीडियो है, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा क्योंकि मनी फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट में। अगर आप मनी फ्लो नहीं जानते हैं कि मनी आउटफ्लो हो रहा है इनफ्लो हो रहा है तो फिर मार्केट से आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं। तो इससे पहले मैंने फ्यूचर की एक सीट डाल रखा था कि फ्यूचर में हमें कैसे ऑटोमेट करना है सिस्टम को, फ्यूचर के जो भी हमारे एनालिसिस डेटा है आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिससे वहां से आप जो फर्स्ट पार्ट बना सकते हैं और फिर आप इसका एनालिसिस नेक्स्ट जो है वो कर सकते हैं जो इसमें वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो ये चलिए अभी बात करते हैं कि हमें कौन से शिप करना है। उससे पहले मैं एक आपको अपडेट देना चाहूंगा कि आप अगर लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं ऑप्शंस और फ्यूचर में तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए यहाँ पे एक अच्छे खासे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत छोटी फैमिली है हमारे यहाँ, यहाँ पे पूरे मार्केट में लाइव अपडेट दिया जाता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, बिल्कुल मार्केट में बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, वो क्या पोजिशन बना रहे हैं, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, वर्ल्ड मार्केट का क्या है, आप देखें मार्केट टोटली रेंज बाउंड, एफआईआर शॉर्ट इन फ्यूचर टुडे आल्सो कॉल लेटर स्ट्रॉन्ग एटी, ये सब सारी चीजें आपको यहाँ पता चलता है कि मार्केट का क्या डायरेक्शन रहेगा। और आपको यहाँ पे फ्री में कुछ कभी कभी प्रोवाइड भी कराया जाता है कॉल, जिससे कि आपको थोड़ा सा सीखने के साथ प्रॉफिट भी हो जाए। तो आप इस चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा अर्निंग और लर्निंग दोनों हो सके। देखिए कितने अच्छे लोग ज्वाइन कर रहे हैं बार बार के। तो चलिए अगर हम बात करते हैं कि हमें किस सीट के बारे में, अब यहाँ देखें कि हमने फ्यूचर का ये डेटा लाइव मार्केट से ले रखा है, मार्केट में पूरा अपडेट होता है टिक बाई टिक डेटा जब भी एनएससी पे अपडेट होता है। तो इसको कैसे ऑटोमेट करना है मैं अपने वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब आगे नेक्स्ट एनालिसिस करना है, आप इस पे देखें पूरा तीन मंथ का जो फ्यूचर का डेटा है यहाँ पे आता है, हमारा वॉल्यूम का है, टोटल टर्नओवर है, कॉलम है, और उसके बाद क्या है आपको ओआईए चेंज इन ओआई टर्नओवर क्या है, अंडरलाइंग वैल्यू क्या है, ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये सब हमारे यहाँ पे आते हैं। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है इसको मैक्रो लिख के एक फिक्स कर देना, जैसे हमने यहाँ पे मैक्रो लिखा है रिकॉर्ड एट 855, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये डेटा देखिए यहाँ पे आके फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे ये डेटा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। हमने इसको बता रखा है कि कैसे मैक्रो लिखना है, हमारी वीडियो में दे दूंगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ये जैसे हमारा डेटा फिक्स हो गया, फिक्स क्यों करते हैं क्योंकि इससे हम आप कंपेयर करेंगे। और हमने नेक्स्ट सीट पर यहाँ पे लिख रखा है, देखिए अभी यहाँ पे मैं निकाल रखा था कि ये 00 हो गया, जस्ट एक मिनट, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, मुझे मनी फ्लो निकाल नहीं पाएंगे हम। एक बार मैं फिर से सीट ओपन कर लेता हूँ, तो चलिए अभी देखिए डेटा आ गया, मैंने आपको वहां तक बता दिया था। फिर यहाँ पे हमारा ये सीट फ्रीक्वेंसी के साथ पूरा फ्रिक्शन के साथ अपडेट होता रहेगा टिक बाय टिक। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, दो चीजें करनी है। पहला चीज कि हमें ये देखना है कि कहाँ पे इसमें शॉर्ट कवरिंग हो रहा है या लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग बिल्डअप। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है कि देखिए आप यहाँ पे ये चीजें इतनी है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जाके, ये चीजें होगा तो इतना होगा। क्योंकि अगर हमारी क्या रेट ऑफ चेंज प्राइस जो है, ये अगर प्राइस वो घट रहा है और हमारे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी घट रहे हैं तो यहाँ पे क्या है शॉर्ट कवरिंग हो रहा होगा, शॉर्ट जो किए थे वो कवर किया जाएगा। आप देखिए आरओसी सीओआई ये क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट घट रहा है और वहां पे प्राइस हमारा चेंज क्या है, इंक्रीज हो रहा है, यानी जो भी प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट करके गए थे वो कवर कर रहे हैं अपना, यानी मार्केट इनको लगता है कि ऊपर जाएगा थोड़ा सा और मार्केट ऊपर गया, अभी बाकी दोनों एक्सपायरी में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था, ये हमें इंडिकेट कर रहा था। तो मार्केट में जो अगर पहले से लॉन्ग करके गए हैं या फिर शॉर्ट करके गए हैं तो कैसे कवर करेंगे, इस चीजों को हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमें मनी फ्लो निकालना कैसे, मनी फ्लो आपको दो चीजें, एक क्या है आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, देखिए यहाँ पे मनी फ्लो नहीं है, चेंज इन बी टू मल्टीप्लाइड बाई ई टू, ई टू हमारा क्या है रेट ऑफ चेंज इन आई चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, आर ओ सी रेट ऑफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई प्राइस चेंज, प्राइस कितना चेंज हो रहा है उस प्राइस, सॉरी लास्ट एलटीपी मल्टीप्लाई जो हमारा एलटीपी है, इस एलटीपी से हम अगर प्राइस करते हैं तो क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि मनी इनफ्लो हो रहा है आउटफ्लो हो रहा है, यानी हमारा जो निफ्टी का फ्यूचर का प्राइस है, निफ्टी फ्यूचर प्राइस
को हमने क्या है मल्टीप्लाई कर दिया किससे, आरओसी चेंज इन वाई से, तो हमारा क्या है उस मंथली का उस डे का आज का ये हमें मनी फ्लो निकल के आ जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा इसी कुकीज का है, ये हमें मनी फ्लो बता देगा कि मनी फ्लो किधर हो रहा है। अगर वो माइनस में है इसका मतलब वहां पे क्या है जो शॉर्ट की थे वो कवर कर रहे हैं, या अगर ये माइनस में है, और यहाँ पे अगर दोनों ये प्लस में है लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो अगर मनी फ्लो प्लस में तो वहां क्या है लॉन्ग हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर शॉर्ट बिल्डअप है, वहां पे अगर ये देखिए शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है अगर यहाँ पे, और ये मनी फ्लो पॉजिटिव है तो वहां शॉर्ट पोजिशन इंक्रीज किया जा रहा है। इसके लिए आपको यहाँ पे पूरा दिख जाएगा। तो इस प्रकार आप फ्यूचर में मनी फ्लो निकाल सकते हैं कि मनी फ्लो किधर हो रहा है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर और बता दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या है, शॉर्ट कवरिंग हमने देख लिया कि हमारी जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वो डिक्रीज हो रही थी, लेकिन हमारा क्या है प्राइस वो इंक्रीज हो रहा है, प्राइस जो है नेक्स्ट डे से प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो वहां पे जो भी शॉर्ट करके गए थे वो अपना मनी आउट कर रहे हैं, ये चीजें हमें यहाँ पे दिख गया। लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी में यहाँ पे क्या प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, ये लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं और मनी भी इंडिकेट कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मनी फ्लो है फ्यूचर का। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि बड़े प्लेयर मार्केट में क्या करना चाहते हैं, वो अभी लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं। और ये क्या है पूरे फुल्ली लाइव अपडेट होता है, मार्केट में लाइव अपडेट होता है। इसको आप अपने ऑप्शन के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं, वहां पे भी उस सीट में डाल सकते हैं, जिससे कि आपको ऑप्शन और फ्यूचर दोनों का डेटा एक साथ पता चल जाएगा। तो इसमें अगर कोई भी और बाकी चीजें आपका क्या करना है, नेक्स्ट में आपको एक रिकॉर्ड पे डाल देना है वो सब चीजें, सारी चीजें करंट एक्सपायरी चल रहा है उसका क्या है, प्रीमियम है, करंट एक्सपायरी का पूरा एलटीपी चेंज इन इंडेक्स स्पॉट क्या है, नेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, आरओसी क्या है, सीओवी वॉल्यूम क्या है, और मनी फ्लो प्रीमियम क्या है, यहाँ पे भी आप डाल के पूरा रिकॉर्ड, जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा ये डेटा क्या है ऑटो में देखिए रिकॉर्ड होता जाएगा, हर एक दो मिनट तीन मिनट पर जैसे ये डेटा रिकॉर्ड होता जाएगा। मुझे एक बार से प्रेस करना है कि रिकॉर्ड कैसे होगा, इस सारी चीज को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बता रखा है, वहां पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक जो भी वीडियो है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस प्रकार बहुत ही सिंपल वे में आप फ्यूचर का मनी फ्लो एनालिसिस यहां से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और बेल नोटिफिकेशन का प्रेस करके रखिए ताकि लेटेस्ट जो वीडियो और लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आशा करता हूं कि आपका दिन जरूर प्रॉफिटेबल होगा।